खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और चुरू से बड़ी और अहम खबर आ रही है। चुरू के रतनगढ़ से 12वीं की परीक्षा देने आई छात्रा का अपहरण हुआ है। सेठ बंशीधर जालान स्कूल में देने के लिए परीक्षा आई थी ये छात्रा, रतनगढ़ के वार्ड 11 निवासी अपहरण छात्रा बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस को इसे लेकर सूचना दी। पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कराई है। गाड़ी में सवार होकर आए थे ये अपहरणकर्ता। पुलिस को सूचना दे दी गई है परिजनों के द्वारा। परीक्षा देने के लिए ये पहुंची थी छात्रा, 12वीं की ये छात्रा है। सेठ बंशीधर जालान स्कूल में ये परीक्षा देने के लिए आई थी और इसी दौरान इसका अपहरण हुआ। रतनगढ़ के वार्ड 11 निवासी बताई जा रही है अपहरित छात्रा। हालांकि परिजनों ने इसे लेकर पुलिस को सूचना दी है। पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कराई है पुलिस ने। गाड़ी में सवार होकर ये अपहरणकर्ता आए थे जिन्होंने इस छात्रा का अपहरण किया है। पुलिस को सूचना मिलने के साथ ही नाकाबंदी की गई है क्षेत्र में ताकि इन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्त में लिया जा सके। और चुरू से संवाददाता संजय प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अपहरण किया गया इस छात्रा का, क्या कोई सुराग मिला? क्या कहा परिजनों ने? पुलिस का क्या कहना है मामले को लेकर? जी, परिजन पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस थाने को जब भी ये जानकारी देते ही पुलिस की ओर से चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दी गई और हाईवे पर भी जो पेट्रोलिंग गाड़ी रहती है उसको भी तैनात कर दिया गया है। इस मामले की डीएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस प्रकार की दिन दहाड़े घटना होना निश्चित रूप से असुरक्षा की भावना लोगों के अंदर आती है और आखिर जांच की जा रही है कि कौन लोग थे और किस प्रकार गाड़ी में। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर 4 से 6 की संख्या के अंदर लोग थे। उनके द्वारा परिजन ने अपहरण करने की सूचना मिली है। 12वीं की एक कक्षा की परीक्षा देकर छात्रा लौट रही थी। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं और किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। जब तक सुराग नहीं मिल जाता है और जांच नहीं हो जाती है उससे पहले पुलिस के अधिकारी इस मामले में मुंह खोलने से बच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका संजय इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि अभी कोई भी अधिकारी कुछ कहने से कतराता जरूर नजर आ रहा है इस मामले को लेकर, लेकिन क्योंकि परिजनों ने पुलिस में इसे लेकर सूचना दी, पुलिस ने नाकाबंदी कराई है, कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अपहरणकर्ताओं को गिरफ्त में लिया जा सके, छात्रा को उनको चंगुल से निकाला जा सके।